दोस्तों ये जो मटका एलईडी हमारे हाथ में देख रहा है, इसको ऐसे करके कनेक्शन करने से आपका जो डीसी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है ज़्यादा दिन तक चलेगा। ये देखिए ये जलना शुरू हो गया, तो चलिए शुरू करके वीडियो। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कैसे आप रिचार्जेबल बल्ब रिपेयरिंग कर सकते हैं और ये रिचार्जेबल बल्ब के अंदर क्या क्या होता है आपको दिखाएंगे। ये सबसे पहले देखिए इसको लाइन दे के देखते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा है। अभी इसको खोलेंगे, डीसी जो रिचार्जेबल बल्ब है ये जलता है लेकिन ये नहीं जल रहा है। इसको फटाफट से खोल लेते हैं। दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। ये एक महीना पहले हमने इसको लगाया था और इसको टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए एलईडी बल्ब अभी भी जल रहा है, लेकिन ये जो एलईडी बल्ब है इसका एक प्रॉब्लम आया है। एलईडी के ऊपर एक काला धागा आ गया है, इसलिए ये एलईडी बल्ब कुछ दिन बाद ये फिर से ख़राब हो जाएगा। अभी हम ये जो एलईडी बल्ब आपके लिए रिपेयरिंग करते हैं ये खुद ट्राई करते हैं ये कितना दिन तक चलता है, उसके बाद आपके पास लेके आते हैं। तो इस एलईडी जो है ये एक महीने के बाद ख़राब हुआ है और इसको 1.5 रुपये में आपको रिपेयरिंग करके दिखाया था। तो 1.5 रुपये में एक महीना चला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, तो कस्टमर आपको कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इस एलईडी बल्ब को फिर से हम रिपेयरिंग करके दिखाएंगे बिल्कुल और एक नया तरीके से आपको इसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे, जिससे ये जो एलईडी बल्ब है और भी ज़्यादा दिन तक चले। जो लोग नए हैं आप देख लीजिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो है डीसी वाला साइड जो नीचे होता है इसको खोल के दिखाएंगे। देखिए इसके अंदर की बैटरी है और ये चार्जिंग सेक्शन है और कुछ भी नहीं है। अगर ये शॉर्ट करने से आपका एलईडी जलता है तो ये डीसी सेक्शन जो है बिल्कुल ओके है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है आपको। हम एलईडी को फिर से खोल लेंगे। ये देखिए ये जो एलईडी है ये एलईडी का साथ हमने डायोड लगाया था, ये 6 वोल्ट मैक्सिमम के चलता है। तो डायोड लगा के हम इस एलईडी का वोल्टेज कम करने का कोशिश किया है लेकिन ये फिर भी वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए ये काला हो गया है। ये जो एलईडी है इसको आपको किसी भी तरह 9 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट में चलाने वाला बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो एलईडी है ये 9 को एलईडी लगा हुआ है। ये 9 वाट का बल्ब है, ये 9 वाट का जो बल्ब है ये 80 वोल्ट के ऊपर काम करता है। तो एक एक एलईडी 9 वोल्ट हो गया। अभी यहाँ पर हम कुछ नया तरीका अपनाने वाले हैं। यहाँ पर अगर ड्राइवर सर्किट से ज़्यादा वोल्टेज निकलेगा तब भी हमारा जो एलईडी बल्ब है ख़राब नहीं होगा। ये जो एलईडी बल्ब है यहाँ पर हम 3 को एलईडी बल्ब लेंगे। ये मान के चलिए 4 वोल्ट का एलईडी है, 3 4 12 वोल्ट का हो गया। तो इस 12 वोल्ट का एलईडी को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन ठीक से देख लीजिए। ये जो मटका एलईडी है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको ये दोनों शॉर्ट करना है और ये दोनों शॉर्ट करना है। ये ठीक से देख लीजिए, ये नेगेटिव के पॉइंट के साथ और नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ शॉर्ट कर देना है और साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव रह जाएगा। इसको फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। एक सटा को कट कर देंगे। अभी इसका कनेक्शन हो गया। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला पॉइंट आ गया हमारा। अभी यहाँ पर लगा कर चेक करेंगे, उससे पहले इसको लाइन पे लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पर ऊपर से लगा कर टेस्ट करना है आपको जलता है कि नहीं। इसको उल्टा करके लगाएंगे। ये देखिए ये जलने लग गया है, इसका मतलब ऐसे करके आपको कनेक्शन करना है नेगेटिव पॉजिटिव को। ये देखिए ये दो जो टांगे हैं इसको थोड़ा मोड़ देंगे, ऐसे करके आपको मोड़ लेना है और यहाँ पर अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। ये देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ सोल्डिंग कर देंगे। अब इसको जला कर देखेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से साफ कर लेना है आपको और इसको ऑन करेंगे, एलईडी को लगाएंगे। ये देखिए हमारा एलईडी जो है जलना शुरू हो गया। ये देखिए ये 3 वो एलईडी है बराबर जल रहा है, आप ठीक से देख लीजिए और इसको पैक कर देंगे। दोस्तों ऐसा ही नया नया तरीका आप देखना और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारे अंदर मोटिवेशन जगता है और आपके लिए नया नया तरीका लेकर आते हैं। ये देखिए डीसी साइड ओके है, हमारा जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल रेडी हो गया। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।